पूरे साल नहीं खाया मीठा, किरदार के लिए कुर्बान कर दिया था स्वाद, अब दमदार फिल्म में दिखेगी एक्टिंग की धमक। फिल्म सत्य प्रेम की कथा में काम करने वाले बॉलीवुड स्टार्स कार्तिक आर्यन को आखिरकार एक साल बाद चीनी का स्वाद चखने को मिला। अभिनेता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के रैप अप से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दिखाया गया है कि निर्देशक कबीर खान कार्तिक को रसमलाई खिला रहे हैं। चंदू चैंपियन के लिए अभिनेता ने एक खिलाड़ी की वास्तविक जीवन की कहानी में अभिनय करने के लिए शारीरिक परिवर्तन किया। कार्तिक पहले आश्चर्यचकित लग रहे थे, मिठाई खाने के लिए आगे बढ़े और अपने निर्देशक को गले लगाया। उस मधुर क्षण पर क्रू के बाकी सदस्यों को खुशी मनाते और मुस्कुराते देखा गया। एक व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि कार्तिक को चीनी की लत लग गई है क्योंकि उन्होंने पूरे साल चीनी का सेवन नहीं किया। अभिनेता ने कैप्शन में एक नोट लिखा है कि इस रसमलाई का स्वाद जीत जैसा है, आखिरकार एक साल बाद चीनी खा रहा हूँ। एक साल से अधिक की गहन तैयारी और दुनिया भर में 8 महीने की दिन रात शूटिंग के बाद आज हमें चंदू चैंपियन की शूटिंग पूरी की है। यह मेरी पसंदीदा रसमलाई से अधिक मीठी नहीं हो सकती थी। आप एक गहन प्रेरणा रहे हैं कबीर खान सर। चंदू चैंपियन एक खिलाड़ी की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म लंदन में अपने मुहूर्त शॉट के साथ साजिद और वरदा नाडियावाला, कबीर खान और कार्तिक आर्यन की मौजूदगी में विशेष अतिथि यूके के संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री माननीय स्टुअर्ट एंड्रू के साथ फ्लोर पर गई थी।